यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग निकल चुके हैं, 24 दिसंबर का दिन है। हमने कहा चलिए आज थोड़ा बहुत निकलते हैं और देखते हैं। इस टाइम धूप खिली हुई है और आज क्रिसमस का लोग त्यौहार मना रहे हैं, उनको खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज गिरजाघर और चर्च सजे हुए हैं, तो हम उन गिरजाघर और चर्च के बारे में बताएंगे, आपको दिखाएंगे। और हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल में इसी तरह बने रहिए, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आने वाले दिनों के लिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी ब्लॉगें बना सकें और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को बता सकें। गाइस एक बार फिर से कहेंगे आइए चलते हैं और आपको बताते हैं और यहाँ के बारे में बताते हैं। ओके गाइस, ओके। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत हम करते हैं। कहानी इस तरह है कि 25 दिसंबर का दिन था और एक लेडी अपने घर की सारी सफाई कर रही थी, क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार था, फेस्टिवल था और लोग उसके यहाँ आने वाले थे। तो वो घर पे अपने कामों पे लगी हुई थी। तो उसके घर के सामने तीन संत बैठे हुए थे, महात्मा। तो वो लेडी बहुत देर से उस संत जी को देख रही थी, महात्मा को देख रही थी कि आखिर ये हमारे घर के आगे बैठे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं और ना कुछ बता रहे हैं। उस लेडी से रहा नहीं गया, तो वो लेडी जो उनके पास गई और बोलने लगी, महात्मा जी आपको मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि आप हमारे घर के सामने बैठे हुए हैं, चलिए हमारे घर के अंदर चलिए और कुछ जलपान ग्रहण कर लीजिए, कुछ मतलब जो है खा पी लीजिए। तो तीन महात्मा ने बोला कि बेटी मैं तेरे घर में आऊँगा और ज़रूर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका तू जवाब देना तब मैं आऊँगा। तो उस लेडी ने कहा ठीक है महात्मा जी, पूछिए। तो उन्होंने कहा बेटा तेरा पति अभी तेरे घर पे है? उस लेडी ने कहा नहीं। तो महात्मा जी ने बोला जब तेरे पति तेरे घर पर आएँगे तभी हम तुम्हारे घर पर आएँगे और तभी जो तुम खिलाओगी उसको हम खाएँगे। तो वो लेडी बोली ठीक है महात्मा जी, आपकी जैसी इच्छा, जब मेरे पति मेरे आ जाएंगे घर पे तो मैं फिर से आपको बुलाने के लिए आऊँगी। तो थोड़ी देर में इस कहानी को रोकता हूँ। देखिए मैंने कहा ना क्रिसमस का टाइम है, देखिए आज 24 दिसंबर है, आज की रात में यहाँ बहुत बड़ा मतलब चर्चों में जो है आज प्रोग्राम होंगे, सजे हुए हैं चर्च, देखिए पूरा हजरतगंज सजा हुआ है। और हम इसका आपको मैंने कहा ना इसको हम लाइव भी आपको रात में दिखाएँगे, अभी हम दिन के वक्त पे निकल रहे हैं। तो हमने कहा लाइए थोड़ा हम आपको दिखाते हैं, यहाँ का मेन गिरजाघर ये है, देखिए कैथेड्रल जो है जिस जगह पे हम लोग यहाँ पे हैं आज, और हम आपको यहाँ का लाइव शाम को दिखाएंगे। अभी तो चर्च बंद है। और पंडित जी बढ़िया बढ़िया, पंडित जी हमने लाइए थोड़ा जो है इधर दिखा दें। तो ये देखिए चर्च जो है यहाँ पे सज चुके हैं, और ये माता मरियम की जो है तस्वीर है, और ये चर्च के सामने ही हम जस्ट हैं। ये देखिए कैथेड्रल है, शाम को यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा और हम आपको लाइव दिखाएंगे, देखिए किस भव्य तरीके से सजा हुआ है चर्च। और शाम को यहाँ पे बोन फायर होगा, प्रोग्राम होंगे, और जिसके बारे में हम आपको बताएंगे दिखाएंगे। अभी तो केवल हम जो है बाहर से ही दिखा रहे हैं, यहाँ पर बच्चे लोग कई लोग आए हुए हैं और इस तरह से देख रहे हैं सजावट हो रही है यहाँ पर सामने, देखिए ये पूरा चर्च जो है, यह शाम को इवेंट है, इस पर प्रोग्राम होगा, कल्चर प्रोग्राम है चर्च के बाहर इसके ऊपर, और अंदर जो है चर्च लगेगा रात में 10 बजे से। तो ये देखिए किस तरह से सजावट का काम चल रहा है, और बड़ी अच्छी सजावट है। यहाँ का मेन चर्च है ये, सबसे पुराना चर्च जिसको कहते हैं कैथेड्रल चर्च। और इस चर्च में जो है शाम को अथाह भीड़ होगी और हम भी चर्च में मौजूद होंगे शाम को, और आपको यहाँ का हम पूरा पल पल का वाक्या दिखाएंगे और अपने ब्लॉग में डालेंगे। आप इसको देखिएगा और देख के कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। देखिए आज दाऊद के घर में अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा, जो सामने जगह देख रहे हैं आप, उस जगह पे फादर ला के जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा तो उस जगह पर ला के उनको रखा जाएगा, जो सामने देख रहे हैं माता मरियम उसको उस जगह पर रखे जाएंगे। यहाँ की भी सजावट हो रही है और यहाँ कई लोग बैठे हैं, पूरा यहाँ मंच बनेगा शाम को, और हम सब भी जगह मौजूद होंगे और एक अजीब एक खुशी का माहौल होगा, पूरा
चर्च रात में देखिएगा लाइटों से नहाया होगा और देख के मन एकदम लाइट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोग्राम होगा वो आज रात में ही होगा, क्योंकि 24 की नाइट में ही होता है, 25 होते होते फिर सवेरे ये सब देखने वाले भी लोग आएंगे। आज यहाँ पे इतनी भीड़ होगी कि समझ लीजिए आपको पैर रखने की जगह नहीं होगी, ये हाल होगा। ये देखिए पूरा मैंने आपको दिखा रहा हूँ पूरा यहाँ का इस जगह का, ये देखिए पूरा उच्चेश्वर में ईश्वर की महिमा करो, मैरी क्रिसमस। ये देखिए प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं, सब शुभकामनाएं, शुभकामनाएं हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, दिया है, लिखा है, और बाकी सजावट हो रही है, बाकी देखिएगा रात में यहाँ कितना अच्छा होगा, ये सब लाइटें लग रही हैं, काम हो रहा है, और पूरा आज ये चर्च रात में लाइट की रोशनी में चकाचौंध होगा, पूरा नहाया होगा चर्च, ये देख के मन एकदम जो है प्रसन्नचित होगा, क्योंकि यहाँ पे कई लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, और यहाँ जो है यहाँ की महिमा होती है। ये देखिए सामने दिखा है, जीवन की रोटी मैं ही हूँ, अनंत जीवन मैं ही हूँ। ये देखिए सारा सजाया गया है यहाँ, यहाँ के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ सब। देखिए ये मेन हैप्पी न्यू ईयर 2023 का बोर्ड लग चुका है, क्योंकि आज से नया वर्ष आज से शुरू हो जाएगा प्रभु के से। ये देखिए माता आगे मरियम की फोटो है, और आज बड़ा ही प्रोग्राम है विशाल, ये सामने माता मरियम है, इनकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लॉग में लेता हूँ इनको। ये देखिए ये माता मरियम, देखिए सारा सजावट किस तरह से हो रखी है, और सामने वेलफेयर यू, क्योंकि मैंने कहा ना हजरतगंज का मेन चर्च है, अब हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट चर्च के भी हम आपको दिखाते हैं आगे चल के, बाकी शाम को हम आपको दिखाएंगे यहाँ का लाइव सेशन जो भी है चल रहा है यहाँ। देखिए किस तरह से क्या हम चलते हैं यहाँ से, सब मैथलिस्ट का यहाँ पे है बगल में, वहाँ भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बाहर से कितना भव्य लगता है ये चर्च, देखिए है। अभी हम यहाँ से चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है यहाँ का नज़ारा। आज सड़कों पे इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि आज जो मोस्टली भीड़ होगी वो रात में होगी, क्योंकि अभी सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारियों में, सब चर्चों पे सजावट हो रही है, लोग मसरूफ हैं। और हम यहाँ से, ये यहाँ का मेन मार्केट है हजरतगंज का, कंप्यूटर का मेन मार्केट है मान लीजिए आप, ये नाजा मार्केट है पूरा, ये यहाँ की मार्केट है कंप्यूटर की, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग जो आते हैं कंप्यूटर की हार्ड डिस्क लेने के लिए, बनवाने के लिए। अब हम यहाँ से निकलते हैं और ये आ गए हम लोग लाल बाग का मेन चौराया, सामने नावेल्टी सिनेमा घर है ये, ये हमारा लखनऊ का किसी टाइम का माना जाना टाकिस था, आज भी है ऐसी बात नहीं, इसके नंबर वन गिनती होती है टाकिजों में, अब इसको मिनी PVR बना दिया गया है ये मान के चलिए। अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और आगे चलते हैं, मैं एक चर्च यहाँ आगे भी है उसको भी कवर करते देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है और वहाँ कौन सी सजावट हो रही है किस तरह से, उसको भी देखते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना आज थोड़ा भीड़ भाड़ और रोडों फिलहाल कम है, लेकिन रात में होते होते भीड़ बहुत बढ़ जाएगी। ये देखिए अब हम निकल पड़े हैं और ये आ गए चर्च में हम लोग, ये देखिए सामने ये चर्च भी है, इस चर्च में भी सजावट हो रही है और चर्च को भी शाम को जो हम लोग देखेंगे आके। चलिए भैया रास्ते को क्लियर कीजिए भाई, जाम मत लगाइए, जाम मत लगाइए भाई, जाम मत लगाइए। ये देखिए ये भी चर्च है हमारा, गिरजाघर है ये भी, इसकी भी
सजावट चल रही है। ये देखिए लाल बाग मैथिली चर्च है ये, और ये चर्च में भी जो है सजावट हो चुकी है। ये मेन चर्च है यहाँ का, लाल बाग का ये भी मेन चर्च है ये देखिए। और इसके यहाँ भी लाइटें आइटें लग रही हैं, और काफ़ी क्योंकि गेट अभी बंद है यहाँ का, शाम को ही खुलेगा। तो गाइस, तो दोस्तों अब हम यहाँ से चलते हैं और अब आगे देखते हैं, और भी चर्च को हम कवर करेंगे, आगे दिखाएंगे आपको। बाकी तो हम आपको आज रात में पूरा दिखाएंगे, चर्च के पूरा फंक्शन दिखाएंगे, प्रोग्राम दिखाएंगे किस तरह से हो रहा है यहाँ पे। पूरा हम आपको जो है अपने ब्लॉग के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे और उसको ज़रूर दिखाएँगे। एक चर्च यहाँ पे भी है तो हमने कहा लाइए उसको भी कवर करते हैं, दिखाते हैं आपको कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या सजावट हो रही है। और ये लाल बाग का ये भी चर्च है, देखिए लाल बाग, ये आ गया, ये आ गया चर्च। ये चर्च में भी देखिए सजावट हो चुकी है, और मोस्टली चर्च अभी बंद रखे गए हैं क्योंकि अभी शाम को ही खुलेंगे, गिरजाघर प्रार्थना होगी यहाँ का। और ये देखिए, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा कहता। ये भी चर्च है, बड़ा पुराना चर्च है लाल बाग का, और इसके बाहर ही हम खड़े हैं क्योंकि गेट तो अभी बंद है, और ये गेट शाम को ही खुलेगा रात में, तब हम आपको दिखाएंगे यहाँ के बारे में भी। तो आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, हम यही चाहेंगे, और आने वाले ब्लॉग में भी हमें हम आपको और बताएंगे, दिखाएंगे। तो हम आपसे चाहेंगे कि ये ब्लॉग हमारा कैसा बना है, आप इसमें कमेंट कीजिए, हमें जरूर बताइएगा। ओके गाइज, हमारे साथ इसी बने रहिए, बाय, टेक यू, लव यू।